नमस्कार, पावर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं खबरों के पीछे की खबर, वो पहलू जो आप जानना समझना चाहते हैं, और ब्यूरोक्रेसी जो निर्णय लेती है उसके पीछे की आखिर में ऐसा क्या है। साथ ही सियासत के दांव पेच पर भी होती है हमारी पैनी नजर। आज भी कुछ खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं, और हमारे दोनों साथी न्यूज वर्ल्ड के विशेष संवाददाता मनोज वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार उमेश निगम जी हमारे साथ में, और दोनों के साथ मिलकर जो खबरें हैं आज की, उनकी अंदर की आखिर खबर क्या है, किस तरह का इस उन खबरों का इम्पैक्ट है, हम उस पर चर्चा करेंगे और पूरी जो खबर है आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे चुनाव से पहले जागी सरकार, यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक इसको लेकर कि जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें प्राथमिकता में लेकर उस पर काम होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में बैठक की, क्या कुछ इस बैठक में रहा, उमेश जी के पास सीधे चलेंगे। वरिष्ठ पत्रकार उमेश निगम जी हमारे साथ में। उमेश निगम जी, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक की, खासतौर पर जो योजनाएं हैं, प्रमुख योजनाएं हैं, उनको प्रमुखता के साथ लेना है, क्या कुछ दिशा निर्देश रहे आज बैठक में? राजेश जी, 14 जुलाई से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने वाले हैं। इसके बाद उनकी व्यस्तताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी जी। तो और चुनाव बिल्कुल नजदीक ही आ गए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह की बड़ी बैठक सारे वरिष्ठ अधिकारियों मंत्रियों के साथ करना बहुत जरूरी हो गया था। केंद्र में भी काफी पैसा मध्य प्रदेश राज्य सरकार का राशि अटकी हुई है, बिल्कुल। उसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं, उनकी क्या गति है, उनकी क्या स्थिति है, इस पर सब उनको बारीकी से समीक्षा करना थी कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्योंकि ये सारी योजनाएं जो हैं हितग्राहियों से जुड़ी हुई हैं और ये चुनाव में बहुत प्रभाव डालेंगी, इसलिए बहुत जरूरी था। और इन योजनाओं के लिए राशि की जरूरत होगी जो केंद्र में अटकी हुई है, तो इसलिए मुख्यमंत्री ने आज मंत्रियों के साथ ACS और प्रमुख सचिव सचिव सभी के साथ बैठक करी। इसमें उन्होंने केंद्र में लंबित मामलों के लिए कहा कि इसके लिए फॉलो अप करें और चर्चा करें, उनको जो प्रपोजल्स गए हुए हैं उनकी मंजूरी दिलवाएं जी। इसके अलावा नागरिक आपूर्ति निगम के 300 करोड़ का अनुदान मिलना है मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र से, वो अभी तक मिला नहीं है, काफी पत्र भेजे जा चुके हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अफसरों को कहा कि इसमें आप जाएं दिल्ली और बात करें और समय पे ये राशि वो आ जाए। वो चाहते हैं कि चुनाव के पहले सारी राशि आ जाए और ये वितरित हो जाए, जिससे कामों को गति मिल जाए। लेकिन 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 उमेश जी, देखा जाए लंबे समय से जिस तरह से आपने केंद्र की बात की और जिस तरह से आज CM ने कहा है अधिकारियों के साथ बैठक में कि खास तौर पर जो केंद्र पोषित जो योजनाएं हैं उनका फॉलो अप आप लगातार लें, राशि की आपने बात की, तो राशि को लेकर एक लंबे समय से ये चर्चा रही है कि जिस हिसाब से केंद्र सरकार से राशि मुहैया होना चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, या जो उसकी गति है वो गति तेज नहीं है। इससे पहले UPA सरकार में कुछ होता था तो CM धरने पर बैठ जाते थे, लेकिन अब सरकार BJP की है और फिर ऐसे में जिस तरह से हिला हवाली होती है राशि को लेकर, ये भी बड़ा एक सवाल है उमेश जी। हाँ राजेश जी, ये UPA सरकार में जो नहीं मिलती थी राशि तो मुख्यमंत्री तत्काल आंदोलन की राह पकड़ लेते थे और उपवास और ये सभी चीजें सामने आई, लेकिन अब चूंकि NDA की सरकार है और भाजपा की ही सरकार है तो इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां केवल निवेदन कर सकते हैं और धरने उपवास की बात तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही कारण है कि अब अधिकारियों को निर्देश देना पड़ेगा कि आप वहां पे फॉलो अप करें और राशि लेके आए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि GST की भी राशि जो है जी वो जितनी आना चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है जी। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रमुख योजनाओं में है। 15 जुलाई से हरियाली महोत्सव शुरू हो रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी अधिकारियों से कहा कि इसमें जनता को जोड़ें, जनता को जागरूक करें जी, जिससे ये अभियान काफी अच्छा चले और वृक्षारोपण हो सके। 31 अगस्त तक यह हरियाली महोत्सव चलेगा जी। इंदौर भोपाल का जो एक्सप्रेस हाईवे है जी वो पहले 4 लेन का बनना था, जिसको 6 लेन का बनाया जाएगा, बैठक में ये बात भी आई।
और कैबिनेट की बैठक अब हर सोमवार को होगी, ये जानकारी भी इस बैठक में दी। चलिए, सोमवार को हुआ करेगी कैबिनेट बैठक। मनोज जी हमारे साथ में है। मनोज जी, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की, उमेश जी ने विस्तार से बताया क्या कुछ एजेंडा रहा है आज की बैठक का। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो सीएम ने कहा है कि प्रमुख जो योजनाएं हैं उन पर आपको फोकस करना है, केंद्र की जो बात है उमेश जी ने बताया कि आप उनका फॉलोअप लीजिए, तमाम तरह की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से घोषणा करते रहे हैं, अब जितना समय है, ऐसे में क्या ये तमाम तरह की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनकी गति पर सवाल जनप्रतिनिधि लंबे समय से उठाते आए हैं, अब मुख्यमंत्री जिस तरह से इसको चिंता व्यक्त कर रहे हैं, समय कम है, क्या इस समय सीमा में वो गति मिल सकती है जिस तरह की चिंता सीएम कर रहे हैं इस समय? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में आज जो एजेंडा था वो ये था, उसका पूरा फोकस कि ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ लोगों तक पहुंचे। और दूसरी बात यह कि जो योजना हो चुकी है, जैसे एक मामला है नाफेड वाला था कि जो राज्य सरकार ने जींस खरीदा, राज्य सरकारियों के एजेंसियों ने, वो नाफेड को उनका दे दिया, लेकिन जो नाफेड से जो मध्य प्रदेश सरकार की एजेंसियों को हिस्सा मिलना था वो नहीं मिला है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मामला हो, चाहे मध्यान्ह भोजन हो, चाहे आंगनवाड़ी का पोषाहार हो, तो उनका ये कहना था कि जो राज्य का हिस्सा है, योजना अपनी जगह राज्य का जो हिस्सा है वो नहीं मिल पा रहा था, उस पर ध्यान दिया जाए। दूसरी एक चीज थी कि जो एपेक्स बैंक है उनके पास धन की कमी है। अभी तक ये होता था कि नाबार्ड से जो राज्य जो एपेक्स बैंक को सालाना लगभग 7-7.5 करोड़ की राशि की जरूरत होती है, वो नाबार्ड से सस्ते लोन पर लेता है और वो महंगे दामों पर लोगों को देता है, जिससे पूरा सिस्टम चलता है। अभी हो पा रहा है कि उनको केवल 4,000 करोड़ की राशि नाबार्ड से मिल पा रही है, तो उसमें मुख्यमंत्री का ये फोकस था कि आप लोग दिल्ली में बात करें अफसरों से, नाबार्ड के अफसरों से बात करें, जरूरत पड़े तो फाइनेंस विभाग के लोगों से बात करें, ताकि ये हिस्सा बढ़े। जब ये हिस्सा बढ़ेगा, 3,000 करोड़ अगर एक्स्ट्रा मिलेंगे अपेक्स बैंक को, तो उसका एक बड़ा हिस्सा किसानों तक जाएगा, मतलब किसानों को लोन मिलने में आसानी होगी और तमाम सारी चीजों की। दूसरी एक चीज थी कि यूरिया की बात थी कि मुख्यमंत्री का ये कहना था कि जितने मध्य प्रदेश के हिस्से का यूरिया है वो हमको सही समय पे मिल जाए, अगर जरूरत पड़ी, अगर हम बंदरगाह से उठाना पड़े हमको सीधे, तो उसके लिए वो तैयारी करके रखें। एक बड़ी एक बात ये आई थी कि जो बासमती के GI टैक्स टैग की बात को लेकर जो विवाद चल रहा है, तो मुख्यमंत्री का ये कहना था कि कम से कम जो ICAR इसकी सुनवाई कर रहा है उसमें मध्य प्रदेश को सुनवाई के लिए पूरा मौका मिले, ताकि वो अपनी बात पूरी रख सके। दूसरा एक बात थी, जैसे GST की एक बात थी, तो उसमें मुख्यमंत्री का ये कहना था कि जो हमको केंद्र से जो अनुदान मिलता है वो महीने के अंत की जगह शुरुआत में मिल जाए, तो कम से कम ये होगा कि पूरे महीने वो योजनाओं के क्रियान्वयन का हम संचालन ठीक से हो पाएगा। तीसरी एक बैठक में मुख्यमंत्री का फोकस इस बात पर भी था कि जो नीति आयोग ने जो रेटिंग जारी करता है जिलों की, जैसे हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के 8 जिले उसमें शामिल थे, उनका यह कहना था कि अब सारा डाटा अपडेट रखो, ऐसा ना हो कि कभी अचानक कोई बैठक आए और हम पुराने डाटा के साथ पहुंचे तो हम उससे मध्य प्रदेश के अफसरों को या मध्य प्रदेश को नीचा देखना पड़े। सड़क परिवहन की जो बात थी कि जैसा कि उमेश जी ने बताया कि जो 5,000 करोड़ से प्रस्तावित सड़क बनना है उसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी, लेकिन राज्य सरकार ये चाहती है कि वो हाईवे 4 की जगह 6 लेन का हो जाए, क्योंकि अभी जो इंदौर भोपाल हाईवे वो वैसे भी 4 लेन का है। ऐसी कई सारी चीजें थी, जैसे ग्रामीण विकास की चीजें हैं कि जो मनरेगा में एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि राज्य केंद्र सरकार का ही होता है, तो मध्य प्रदेश को उसके हिस्से की रकम बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। कई बार जो मंत्री हैं गोपाल भार्गव वो पत्राचार कर चुके हैं, मुख्यमंत्री समय समय बात कर चुके हैं। अब चूंकि खेती किसानी का समय है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम कई सारे होना है, चुनाव पास में है, तो मनरेगा की राशि से नहीं मिलने के कारण जो मजदूर वर्ग नाराज है, तो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो उनकी नाराजगी दूर हो जाए। दूसरा एक चीज और है कि अब जो केंद्रीय समाज कल्याण से जुड़ी जो योजना है तो मुख्यमंत्री का ऐसा कहना था अफसरों को कि आप वो सेक्टर भी तलाशिए कि जिनमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो केंद्र की समाज कल्याण से जुड़ी योजना है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, हेल्थ की हो, उनसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर उनको लाभ दिला सके। लेकिन मनोज जी, बड़ा सवाल यहाँ पर है, चूंकि चिंता बहुत सी योजनाओं को लेकर है, हम प्रमुख योजना जिस तरह से कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब सीएम चाहते हैं कि वक्त कम है इसके लिए, क्योंकि लंबे समय से अफसरों पर सवाल उठते रहे हैं, तो क्या अफसर जो एक मना स्थिति है सीएम शिवराज सिंह चौहान की, उसके लिए कितने तैयार हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है मनोज जी। देखिए अफसर तो हम लगातार देख रहे हैं कि जो जितनी बैठक जिस हिसाब से अभी चल रही है, चाहे वो लाइन ऑर्डर को लेकर हो या तमाम सारी जो आज की बैठक हो, कि निर्देश लगातार मुख्यमंत्री की ओर से जा रहे हैं, चाहे वो अपराधों को लेकर दुख है या दूसरी और योजना है।
अब ये तय करना अफसरों को कि उनका फॉलो कितनी तेज हो जाए। दूसरी एक बात है कि अगर मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करवाना है तो थोड़ी कहीं ना कहीं सख्ती बरतना होगी। हालांकि मुख्यमंत्री पहले भी हमने देखा कि वो कह चुके हैं कि अधिकारी अगर काम नहीं करेंगे आईएएस अफसर तो मैं उनको उल्टा टांग देंगे। ऐसे जुमले अगर कहने की नौबत आ रही है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी आपकी सुन नहीं रही है। बिल्कुल, समझना होगा, ब्यूरोक्रेसी को भी समझना होगा। लेकिन जिस तरह से सीएम अब लगातार बैठ के कर रहे हैं, उनकी प्राथमिकता है कि जब चुनाव में जाएं तो कह सकें कि हमने किस तरह से जनता के लिए काम किया है, जनता के लिए योजनाएं बनाई हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि जो अफसर है, जो अधिकारी हैं, जो नौकरशाह है, उनकी मंशा को किस तरह से अमली जामा पहनाते हैं। अगली खबर की ओर आएंगे और वो खबर है कि चुनाव निरस्त, बीजेपी मस्त। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव का कार्यक्रम था, निरस्त हुआ है, क्या कुछ इसको लेकर खबर। उमेश जी हमारे साथ में है। उमेश जी, जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर खबर है कि जो चुनाव होना थे 5 जगह वो निरस्त कर दिए गए हैं, क्या कुछ कारण रहे हैं उन जो 5 जगहों पर चुनाव होना था उसको निरस्त करने के पीछे? राजेश जी, प्रदेश में 5 स्थानों पर जी अनूपपुर नगर पालिका परिषद का जी और नरवर नगर परिषद, चुरहट नगर परिषद, भैंसदेही नगर परिषद और सांची नगर परिषद के आम निर्वाचन होना थे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 जुलाई को आदेश जारी किए थे सभी कलेक्टरों को इन 5 जिलों के, और तारीख पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया था। इसके बाद आज राज्य निर्वाचन आयोग ने ये चुनाव के कार्यक्रम निरस्त कर दिए जो ये निर्वाचन होने थे। दरअसल इसमें राज्य निर्वाचन आयोग से भी चूक हो गई थी, इसको लेके जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की नौबत आ गई। इसके बाद आनंद फानन में राज्य सरकार को जी। ये माफ कीजिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग को ये निर्णय लेना पड़ा और आज दोपहर में ये चुनाव के कार्यक्रम निरस्त स्थगित कर दिए हैं। दरअसल इसमें हुआ ये था कि जो 5 नगरीय निकायों में आम निर्वाचन होना थे, इनकी जो वार्डों का परिसीमन का घोषणा होती जी, है जी। तो ये राजपत्र में इसका प्रकाशन होना चाहिए जी। लेकिन वहां के कलेक्टरों ने वार्डों के विभाजन का सूचना जो है कलेक्ट्रेट के और नगरीय निकाय के सूचना पटल पर प्रदर्शित कर दिए, लेकिन इनका राजपत्र में प्रकाशन अभी तक नहीं कराया और प्रकाशन हुए बगैर ही राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए थे। क्या 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 उमेश जी, एक आधी अधूरी तैयारी रही है कि वो तैयार, जिस तरह से आप बोल रहे हैं परिसीमन को लेकर हो या अन्य तरह की जो भी उसमें खामियां थी वो दुरुस्त नहीं की गई, और जिस तरह से रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी, जिस तरह कलेक्टर होता है उसने जो रिपोर्ट की गई तो रिपोर्ट उस समय सही नहीं दी गई और कार्यक्रम तय कर दिए गए इन चुनाव को लेकर? जी हाँ, ये सही नहीं आई और राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया जी, और चुनाव के कार्यक्रम घोषित कर दिए। यही कारण है कि राज्य निर्वाचन आयोग को कदम पीछे खींचना पड़ा जी। और इसमें एक बात और बताना चाहूंगा जी, कि भाजपा भी नहीं चाह रही थी इसमें कि इस समय अभी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव के पहले नगरीय निकायों में चुनाव हो, क्योंकि वहां स्थिति कुछ ठीक नहीं है और मान लीजिए इसके रिजल्ट ठीक नहीं आते हैं तो उसका प्रभाव विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है, उसका संदेश उस फेरिस्त को, उस फेरिस्त को जो लगातार आप बाई इलेक्शन हार रहे हैं बीजेपी, उसको आप लंबा नहीं करना देना चाहते थे। कहीं ना कहीं आपको आशंका थी कि अगर इन जगह पर हार इस समय मिलती है जब हम विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं तो एक जिस तरह से एक मौका मिलेगा विपक्ष को और एक जिस तरह से एक माहौल बनेगा उसको कहीं ना कहीं बीजेपी रोकना चाहती थी। जी वो ये चाहते थे कि विपक्ष को कोई मौका ना मिल पाए, यही कारण है कि वो प्रयास कर रहे थे कि ये चुनाव ना हो पाए। तो ये चूक जो आई थी इसके लिए भाजपा के कार्यकर्ता ही प्रयास कर रहे थे याचिका लगाने के लिए और संभवतः आज दायर भी हो जाती, लेकिन उसके पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने कदम पीछे खींच के भाजपा और सरकार दोनों की
नाक बचा ली। मनोज जी, क्या बीजेपी इतनी डरी हुई है अभी इस वक्त, जिस तरह से बाई इलेक्शन एक के बाद एक हारे, उसके बाद जो एक मनोबल था कहीं ना कहीं बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेता और कार्यकर्ताओं तक, ऐसे में बीजेपी नहीं चाह रही थी और उसके मुताबिक ही सारा कुछ हुआ। बिल्कुल। और देखिए, दूसरी एक चीज और भी है कि जिस हिसाब से जब जो मुख्यमंत्री की जो यात्राओं का कार्यक्रम है जन आशीर्वाद का, अगर इन सब जगह जो कि अब ये पांच जगह बड़ी महत्वपूर्ण, आप एक लिस्ट को देखेंगे, जैसे चुरट है वो नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के प्रभाव का इलाका है, जो नरवर है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसदीय क्षेत्र शिवपुरी में आता है, जो सांची है वो अभी मंत्री गौरीशंकर सेजवार के क्षेत्र में आता है और उनके खिलाफ नाराजगी जग जाहिर है। तो ऐसे में अगर एक भी चुनाव हारती है तो भाजपा को चुनाव के क्योंकि मुहाने पे खड़ी है, 14 तारीख से यात्रा के बाद पूरी पार्टी और सरकार चुनावी मोड में है, अगर इसमें से एक दो भी चुनाव पे अगर सीट हारते तो न केवल कांग्रेस का पूरे प्रदेश में मनोबल बढ़ता बल्कि भाजपा के लिए भी बड़े दिक्कत की बात होती और उसके कार्यकर्ताओं को लगता है कि शायद एंटी इनकंबेंसी हमारे खिलाफ जा रही है। चलिए, तो इन्हीं सबको देखते हुए अगर देखा जाए तो बीजेपी के नजरिए से ये काफी बेहतर हुआ कि जो पांच नगरीय निकाय चुनाव जहां पर होने थे कार्यक्रम घोषित कर दिया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर चुनाव वहां पर निरस्त कर दिए गए हैं। बीजेपी ने राहत की सांस ली है इस फैसले के बाद। अगली खबर पर आएंगे कि जिस तरह से अब जेल में ही कियोस्क लगेंगे, क्या ये खबर है? उमेश जी के पास सीधे चलेंगे। उमेश जी, जेलों में कियोस्क लगाने की बात चल रही है, सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो इस पहल को किस लिहाज से देखा जाएगा? राजेश जी, अभी पिछले दिनों हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और जेल के महानिदेशक की बैठक हुई थी, उसमें चर्चा हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि जेल में जो विचाराधीन बंदी बंद रहते हैं उनकी पेशी होती है, वो कई कारणों से कई बार कोर्ट में पेशी पर पहुंच नहीं पाते हैं और कई दिक्कतें आती है, कई बार पुलिस बल नहीं मिलता है, कई बार वो बीमार होते हैं, कई बार कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जिनको बाहर ले जाने में सुरक्षा की दृष्टि से भी दिक्कत होती है। तो ये निर्णय लिया गया कि जेल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके पेशी पर बयान और भी सब चीजें करवाई जाए। तो इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश की 8 सेंटर जेल को चुना गया है। इसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर और सतना है जी। इन जेलों में 8x8 का एक कमरा बनाया जाएगा जो इस काम के लिए कियोस्क की तरह काम करेगा, जिसमें सारी सुविधाएं होंगी, कंप्यूटर होगा, एक ऑपरेटर होगा जो अदालत से इनको लिंक कराएगा और उनके बयान दर्ज होंगे। तो जज अदालत में ही बैठेंगे और बंदी जेल में होगा इस कियोस्क में और वहां से वो अपने बयान दर्ज कराएगा या जो भी जज उनसे पूछेंगे वो सवाल जवाब होंगे वो सारे उस पे होंगे। तो इससे काफी सुविधा रहेगी और समय पे काम होगा, जो प्रकरण लंबित रहते हैं तो उसमें गति मिलेगी। और सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह से देखा जाए कि जिस तरह से भोपाल में जो सिमी के संदिग्ध आरोपी थे वो वहां से जब जेल तोड़कर भागे थे, तो सुरक्षा के लिहाज से भी एक बेहतर कदम होगा उमेश जी ये? जी हाँ, उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए थे सिमी के बंदियों के लिए, वो स्थायी व्यवस्था नहीं थी जी। उसके बाद लेकिन ये अब स्थायी व्यवस्था के तौर पर किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के बाद ये प्रदेश की बाकी की जेलों में भी इस तरह की व्यवस्था की जाएगी जिससे बाकी के बंदी भी तो इसको लेकर, इस कियोस्क को लेकर इस तरह से आपने कहा कि जेल से लेकर कोर्ट तक सारी व्यवस्थाएं, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो मुहैया इसकी होगी, तो इसकी जो राशि है, इस काम के लिए जो राशि मिलेगी इस व्यवस्था को बनाने के लिए, वो कहां से मुहैया होगी इसको? ये इसके लिए राशि सुप्रीम कोर्ट मुहैया कराएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश के जेल विभाग को ये राशि मुहैया करवा रहा है जिससे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम पर बयान दर्ज हो सके विचाराधीन बंदियों के। तो ये पूरी राशि सुप्रीम कोर्ट मुहैया करा रहा है। चलिए मनोज जी, किस लिहाज से देखते हैं इस पूरे कदम को?
देखिए एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें एक जो बड़ा फायदा है, अभी हम देखते हैं कि कई बार कि कैदी को आए आप पेशी पर, वो हथकड़ी छुड़ा के भाग गया या ट्रेन के इंतजार में नशीला पदार्थ खिला के भाग गया। अब ये होगा कि मान लीजिए इंदौर में कोई कैदी है, उसकी भोपाल में पेशी है, तो वो इंदौर से हो जाएगी। एक तो उसको जो लाने ले जाने में जो खर्चा आता है, जो सुरक्षा कारणों का डर रहता है, जैसे सीमा आतंकवादी, जैसे हमने कल ही देखा है कि उत्तर प्रदेश में जो कुख्यात आतंकवादी मुन्ना बजरंगी को पेशी पे झांसी जेल से बागपत ले जाया गया और वहां उसकी हत्या हो गई जेल के अंदर। अगर ये सुविधा हो जाती है तो कम से कम ये रहेगा कि जहाँ पे बंदी है पेश होना है वो वहीं बैठ के उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसकी पेशी हो जाएगी, उसके बयान हो जाएंगे। सिमी वाले मामले में जैसे हमने भोपाल में देखा कि उसमें तो जो अदालत ने अपना डिसीजन है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाया था, जो बाकी जो आरोपी जेल में थे जिनको कुछ को उम्र कैद की सजा हुई है या बाकी अलग अलग धाराओं में उनको सजा सुनाई गई। तो सबसे बड़ी एक चीज होगी, एक तो सुरक्षा व्यवस्था को खतरा कम हो जाएगा, अपराधियों के भागने के सिलसिले पे लगाम लगेगी, सरकारी धन बचेगा। ये तमाम सारी चीजें हैं जो जो जेल में सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए कैदियों की, तो और बेहतर एक पहल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस तरह से अब पेशी हुआ करेगी, इसमें तमाम तरह की चीजें हैं वो समाहित हैं, जो कुख्यात प्रकृति के जो अपराधी हैं उनको सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बेहतर इसको पहल। इसके अलावा जिस तरह से उमेश जी ने और मनोज जी ने बताया कि किस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करेगा, और मनोज जी चलते चलते में आज कौन सी ऐसी खबर है जो चर्चा में है? राय जी, पिछले दिनों एक आईपीएस अफसरों की एक ट्रांसफर लिस्ट निकली थी जी, जिसमें एक एडीजी लेवल के अधिकारी का भी नाम था। ये एडीजी लेवल एक हत्याकांड में काफी चर्चित रहे हैं, और जब इनका ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने चिट्ठी लिखी बकायदा कि मैं पिछले कुछ महीनों मेरा ये तीसरा ट्रांसफर है और स्वास्थ्यगत कारणों से मेरा ट्रांसफर यथावत किया जाए कि जहां मेरी पोस्टिंग है वहीं रहने दी जाए। और मजे की बात है, विभाग इस पर विचार करने वाला था तो अगले दिन सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अमरनाथ यात्रा करके लौटा हूं। तो विभाग में वाला चर्चा का विषय है कि अगर जिस अधिकारी का स्वास्थ्य इतना खराब हो कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर में दिक्कत हो तो अमरनाथ की दुर्गम यात्रा कैसे अंजाम दे सकते हैं। अपनी बातों में ही खुद ही उलझ गए, अपने बनाई चक्रव्यूह में बिल्कुल बातों में उलझ गए। जिस तरह से हमने देखा आज की खबरों को और दोनों हमारे साथी उमेश जी और मनोज जी के साथ में, क्या इम्पैक्ट उस खबर का, पूरी खबर आखिर क्या है आप तक हमने पहुंचाई। कल जब हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ और हमारे दोनों साथी उमेश जी और मनोज जी हमारे साथ होंगे और उनके साथ मिलकर हम एक बार फिर जानेंगे खबरों के अंदर की खबर। आज के पावर सेंटर में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।